नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्फोवेब। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये है MI Beard Trimmer 1C जो कि मैंने एक साल पहले Flipkart से परचेज किया था। ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, एक साल में इसके ब्लेड्स जो हैं ये ख़राब हो चुके हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग उस ब्लेड के साथ क्या कर सकते हैं, आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। तो आप सभी के पास भी अगर MI Beard Trimmer 1C है और उसके ब्लेड्स ख़राब हो गए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है दोस्तों। मैं इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ कि ब्लेड अगर ख़राब हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ब्लेड को देखिए दोस्तों, ये ब्लेड जो है ये टूट चुका है। चलते चलते काम करते करते अचानक से दोस्तों ये टूट गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लेड है ये एक पिन के सहारे कनेक्टेड होता है। जैसे कि ये जो ब्लेड्स हैं ये दो ब्लेड्स होते हैं, दरअसल ये दो ब्लेड्स होते हैं जो कि एक साथ ऐसे 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 करके चलते हैं। और ये पिन जो है, ये पिन इन दोनों ब्लेड्स को एक साथ कनेक्टेड रखता है, एक दोनों को पकड़े हुए रखता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस ब्लेड के मैकेनिज्म को समझिए, ये ब्लेड आखिर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों ब्लेड्स जो होते हैं ये कम्प्लीटली शेव नहीं करते हैं। आप लोग जितने भी ट्रिमर यूज़र्स होंगे आप सभी को ये बात पता होगी कि ये ट्रिमर जो होते हैं कभी भी शेव, क्लीन शेव नहीं करते। ये बालों की कटिंग करते हैं। ये बालों की कटिंग कैसे करते हैं ये ज़रा मैं एक आपको दिखाता हूँ। जैसे आप मेरे हाथों को देखिए, ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है। मान लेते हैं ये दोनों ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स ही ऐसे ऐसे करके दोनों तरफ से ये बालों को काटता है ऐसे ऐसे करके। तो इसके निचले लेयर्स को आप देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला लेयर है। ये नीचे वाले लेयर को आप अगर आप अच्छे तरह से देख पा रहे हैं तो ये नीचे वाले लेयर्स के इस पोर्शन को देखिए दोस्तों, इस पोर्शन को, नीचे वाला लेयर का पोर्शन जो है इस जगह को देखिए। इस जगह से एक प्लास्टिक कनेक्टेड होती है जो कि टूट चुका है, जो कि इस पिन के इस एरिया को पकड़ के रखता है, इस एरिया को इस जगह पे ये पकड़ के रखता है ताकि ये दोनों ब्लेड्स जो हैं ये एक साथ चिपके हुए रहें और हेयर की कटिंग हो पाए। तो एक्चुअल में ब्लेड रहता कैसा है, एक जगह से ये कैसे बैठे हुए रहते हैं इस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर पिन कुछ इस प्रकार से लगी हुई होती है, इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से दोनों पोल्स में इसके पिन जाएंगे, इस तरीके से इसका पिन जो है ये लगा हुआ होता है और ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखा हुआ होता है। कुछ इस तरीके से दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैं अच्छे से दिखा पा रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बैठा हुआ होता है और ये पिन कुछ ब्लेड कुछ इस तरीके से चलता है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पिन बिल्कुल इस तरीके से चलता है। ये इस पिन के दो स्प्रिंग्स हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं इस तरीके से वर्क करने के लिए। तो अगर इसका ये सपोर्ट जो है यहाँ इसका जो सपोर्ट है यहाँ पे, अगर ये टूट जाता है तो ये दोनों ब्लेड्स जो हैं ये टाइटली नहीं रह पाते हैं, और अगर टाइटली नहीं रह पाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से चलता है दोस्तों। ये हमारा ट्रिमर का अंदर वाला पार्ट है, ये हमारा मोटर है, यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों। ये हमारा ब्लेड लग चुका है हमारे ट्रिमर में, और दोस्तों अगर ये टूटा हुआ हो तो कुछ इस तरीके का आवाज़ करता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये दोनों ब्लेड्स जो हैं, ये दोनों ब्लेड्स जो हैं ये अच्छे से इवन मोशन में वर्क नहीं कर रहे हैं।
ये ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे ऐसे ये घूम रहा है, जिसके कारण हेयर नहीं कटते, बिल्कुल भी हेयर ट्रिम नहीं होते दोस्तों। इन दोनों को टाइट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तभी हमारा जो है बियर्ड ट्रिम होता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है दोस्तों। मैंने इस पर दिए गए, इस बॉक्स पे दिए गए कस्टमर केयर को बहुत बार चेक किया मैंने। मैं पटना में रहता हूँ तो मैंने पटना के 3 सर्विस सेंटर्स में कॉल किया, जिससे पता चला कि इसके स्पेयर ब्लेड सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर पर मिलते हैं, और आपको कहीं भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ऑनलाइन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। और मुझे जब मैंने इससे कॉल किया तो मुझे एक और बात पता लगा कि ये इसके ब्लेड जो हैं अभी सर्विस सेंटर्स में अवेलेबल नहीं हैं, और अवेलेबल होंगे भी नहीं। इसकी प्राइस मुझे लगभग 500 रुपये की प्राइस बताई गई मुझे ब्लेड की, लेकिन पूरा जो ट्रिमर है दोस्तों, ये पूरा का पूरा ट्रिमर है ये 900 का है। तो ये पूरा का पूरा ट्रिमर 900 का है और ब्लेड 500 के हैं दोस्तों। ये ब्लेड 500 के हैं, और मैं 500 के ले भी लेता, लेकिन उसके पास अवेलेबल भी नहीं थे और वो मंगाने भी नहीं वाला था दोस्तों। तो इसका क्या कर सकता था। MI वालों, अगर आप सुन रहे हो तो ज़रा इस पर ध्यान दो। आप ट्रिमर्स तो बेच रहे हो, लेकिन इसके स्पेयर ब्लेड्स भी बेचने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। प्लीज़ और प्लीज़ इस पर भी ध्यान दो, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है इसके लिए। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इसके लिए आगे देखते हैं। तो आप इससे बाहर निकालेंगे, जैसे ये लगा हुआ होता है वैसे ही इसे लगा देते हैं दोस्तों। देखिए, ऐसे ऐसे। अब आप पेपर का एक टुकड़ा ले लीजिए इस तरीके का, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर का टुकड़ा है दोस्तों। इसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा और फोल्ड कर लूँगा, और इसे मैं यहाँ इस प्रकार से रखूँगा दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसे रख, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं इसे इस प्रकार से पकड़ रहा हूँ। आप ट्रिमर ले लीजिए और ब्लेड को लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ब्लेड लग गया है। अब बाहर निकले हुए पेपर के हिस्से को मैं अंदर कर दूंगा। अब देखिए, अब इसको ऑन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे से काम करने लगा है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। पेपर लगाने से क्या हुआ, पेपर लगाने से दोस्तों यही हुआ कि इस पेपर को लगाने के बाद ये दोनों ब्लेड्स जो हैं आपस में अच्छे से पकड़ लिया इन्होंने। मतलब प्रेशर इस पेपर के कारण, इन दोनों इस पर प्रेशर पड़ा है और इसके कारण ये दोनों अच्छे से चिपके हुए हैं और ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपको कोई भी दूसरा ट्रिमर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही एक सिंपल सा देसी जुगाड़ लगाना है दोस्तों, और काम करने लगेगा ये ट्रिमर आपका। आपको 1000 रुपये इस पर खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, इस तरह के कंटेंट्स मैं खोजूंगा दोस्तों, और आपकी मदद भी करूंगा। तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।